हेलो एवरीवन, बिना मिशेल साइट, वेलकम बैक टू चैनल रियल कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स। यानी कि बेटा, मैं जितना करा रहा हूँ न्यूमेरिकल ना, आज के टाइम में, एग्जाम टाइम में, एक एक टॉपिक को बार बार देखना, मतलब कि एक भी टॉपिक को मिस मत करना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ। सारे मैं दो न्यूमेरिकल कराऊंगा, सिर्फ दो न्यूमेरिकल कराऊंगा, और दोनों इतने, इसमें से तो एक तो पूछा भी गया कई बार, आईआरटी में पूछा गया 2009 में, जो न्यूमेरिकल कराऊंगा, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के न्यूमेरिकल एकदम आते ही आते हैं आपके एग्जाम में है, तो एक भी टॉपिक को मिस मत करना, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है। और ऐसे में आपको पर डे न्यूमेरिकल्स का सीरीज भी लेके आ रहा हूँ, हर चीज आपको करवा रहा हूँ, रियल कॉन्सेप्ट हर चीज आपको मिल रहा है। आपको पता है एक एक टीचर कितना मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खोज रहा। पहला क्वेश्चन देखो, हिंदी में लिखूंगा इंग्लिश में समझाऊंगा, इंग्लिश में लिखूंगा हिंदी में समझाऊंगा, यानी कि दोनों लैंग्वेज में चलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। पहले क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। आपको पता है अमोनिया कैसे बनता है? आपको पता है अमोनिया बनता है N2+3H2 2NH3। आपको पता अमोनिया इसी प्रकार से बनता है, बनता है। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 60 लीटर अमोनिया, कह रहा है 60 लीटर अमोनिया। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, बहुत बढ़िया, और इंग्लिश में बताऊंगा, टेंशन मत लेना। 60 लीटर अमोनिया गैस, 60 लीटर अमोनिया गैस बनाने में, 60 लीटर अमोनिया गैस बनाने में हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता होगी, हाइड्रोजन गैस की नीड होगी। कितनी नीड होगी हाइड्रोजन गैस 60 लीटर अमोनिया बनाने के लिए, कितने लीटर हाइड्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट होगी? क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, मैं ऑप्शन आपको देता हूं, आप बताना एक बार। यहां पे दिया हुआ है 30 लीटर, और क्या दिया हुआ है सर 60 लीटर, तीसरा ऑप्शन 90 लीटर और 180 लीटर। जरा बताओ भाई, जिसको भी आ रहा है एक बार कमेंट करके बताएगा और फिर अपने आंसर को ठीक करेगा। मैंने क्या बताया, क्वेश्चन समझ लो बढ़िया से बेटा, थोड़ा बढ़िया से समझ लो। आपको पता अमोनिया किस प्रकार से बनता है? जब N2 रिएक्ट करता है 3H2, बैलेंस इक्वेशन लिखा हुआ डायरेक्ट, तो 2NH3 आपका अमोनिया बनता है। तो कह रहा है 60 लीटर अमोनिया बनाने में, क्या कह रहा है 60 लीटर अमोनिया गैस बनाने में हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आपको बहुत अच्छे से समझना, मैं आपको बताऊंगा ना तो आप कभी भी भूल नहीं पाओगे, बस आपको ये समझना है। देखो मैं यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, मैंने बताया N2+3H2 क्या बन गया बेटा 2NH3, मैंने डायरेक्ट बैलेंस इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। आपको पता है N2+H2 होता है तो NH3 बनता है, आपको पता है, फिर बैलेंस करते हैं, ठीक है। चल यहां पे देखोगे तो 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का मिला, 1 आयतन, और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन का, तो क्या बन गया 2 वॉल्यूम हमारा, तो 2 वॉल्यूम हमारा क्या बन गया बताओ, 2 वॉल्यूम NH3 बन गया। तो पूछ रहा है कि 60 लीटर अमोनिया बनाने में हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता कितनी होगी, तो आपको यहाँ पे सीधे दिख रहा होगा क्या कि 2 लीटर NH3 बनाने में, बहुत बेसिक में बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट, ताकि आप एग्जाम में अगर यहाँ पे 60 के जगह 90 भी दे दें तो आप आराम से कर लेओ, 20 दे तो भी कर ले जाओगे, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन है 2 लीटर NH3 बनती है, 2 लीटर NH3 कब बना, जब 3 लीटर वॉल्यूम, 3 लीटर हमने क्या लिया हाइड्रोजन लिया, जब 3 लीटर H2 लिया, यानी 2 लीटर NH3 बनती है किससे, 3 लीटर H2 से। तब यहां पे बताओ कर नहीं ले जाओगे, यहां पे देखो 2 लीटर NH3 बनती है 3 लीटर H2 से, तो 60 लीटर NH3 किससे बनेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, इसलिए मैं एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, चाहूँ मैं तो एक लाइन में कर दूँ इसको, कोई दिक्कत, लेकिन मैं लिखवा के रहा हूँ, यानी कि 60 लीटर NH3 ए लीटर है, देख लेना उसको, तो मैं हटाता हूँ, तुम लोग कन्फ्यूजन में आ जाओगे, देखो समझो थोड़ा बढ़िया से, मजा आएगा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्या 60 लीटर, मैं ऐसे लिख देता हूँ, 60 लीटर NH3 बनेगा कैसे, 3 × 60/2 कितना हो जाएगा,
सर ये 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 लीटर, यानी कि 90 लीटर H2 से, कितना 90 लीटर H2 से, लिख लो यहाँ पे पूरा 90 लीटर H2 से क्या होगा, 90 लीटर H2 से क्या होगा 60 लीटर NH3 बनेगा। बताओ सबको समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन एक नहीं है, एक बार और समझ लो। हमें पता है वन वॉल्यूम क्या होगा N2 होगा, तीन वॉल्यूम H2 होगा, तब दो वॉल्यूम अमोनिया बनता है, यानी कि दो लीटर अमोनिया कब बनता है, दो लीटर अमोनिया बनती है भाई तीन लीटर H2 से, तो 60 लीटर अमोनिया कब बन जाएगा, तो 3 × 60/2, इतना मैथ आपको आता ही, यानी कि 90 लीटर, यानी कि 90 लीटर H2 होगा, ठीक है 90 लीटर H2 होगा तो 60 लीटर अमोनिया बनेगा। ये बताओ सबको क्लियर हो गया, क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को भी हल्के मत लेना, ये आपका पूछा गया है 2009 में, कब पूछा गया भाई IERT 2009 में। तो आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ, कहाँ आते हैं भाई, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इसको भी हल्के में नहीं लेना आप लोग, इसको भी हल्के में मत लेना। क्या कह रहा है सर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में लिखता हूँ इंग्लिश में बताऊंगा, ठीक है टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। कह रहा है एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ कह रहा है ये IERT 2009 में पूछा गया, कह रहा है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को STP पर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर गर्म करने पर, यानी कि हीट करने पर, गर्म करने पर 2.24 लीटर CO2 गैस। ये क्वेश्चन अलग है, ये मत सोचना मैंने करवाया, ये करवाया तो मैंने इस टाइप का नहीं करवाया था। CO2 गैस तथा 5.6 ग्राम CaO प्राप्त हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, इंग्लिश में बता दूंगा टेंशन मत लेना, प्राप्त CO2 का द्रव्यमान होगा, तो प्राप्त CO2 द्रव्यमान होगा, CO2 का द्रव्यमान होगा। बताओ भाई कोई बताएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा आंसर, देखो सॉल्यूशन देख लो फटाफट। हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं ना, जब इसको हम हीट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में ये स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 3 का 48, ये आपका हो गया 100 हो गया, कितना हो गया बेटा 100 ग्राम हो गया, कितना 100 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड का छोड़ दो कोई मतलब नहीं, हमें निकालना है CO2 का, तो कितना हो जाएगा, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, ये कितना हो गया 32 × 10 = 44, 44 ग्राम हो गया। अगर कह रहा है कि 10 ग्राम CaCO2 को STP पर गर्म पर इतना लीटर गैस प्राप्त होता है तथा इतना ग्राम CO2 प्राप्त होता है, CO2 का द्रव्यमान मास हमें पता करना है, तो भाई अगर 100 ग्राम, समझने को कोशिश करना थोड़ा सा, 100 ग्राम CaCO3 को 100 ग्राम CaCO3 को हीट करते हैं, क्या करते हैं हीट करते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है 44 ग्राम CO2 मिलता है, तो 10 ग्राम CO2, तो आप समझने को कोशिश करना, तब यहाँ पे 10 ग्राम CaCO3 क्या करते हैं हीट करते हैं, तो क्या मिलेगा, कितना मिलेगा भाई 44 × 10/100, कितना 100, कितना हो जाएगा 4.4 ग्राम, तो कितना हमें मिलेगा 4.4 ग्राम में CO2 प्राप्त होगा। अच्छा ऐसा मैंने कराया था क्या क्वेश्चन,
पता नहीं, याद नहीं आ रहा, कराया भी हो सकता है कराया है मैंने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कराया होना कराया कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जो क्वेश्चन है ना, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये दोनों क्वेश्चन की आपका कब पूछा गया है, आईआरटी जो मॉडल पर उठाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो 2009 आपको दिख जाएगा, 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर हुआ सबको, बताओ एक बार, कोई दिक्कत किसी को? ऐसे क्वेश्चन भरपूर बनते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। चलो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से क्या करोगे, बना ले जाओगे। चलो तब तक के लिए ओके बाय, और कमेंट करके शेयर करके बताओ भाई, लाइक करके बताओ वीडियो को कि आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच।